धक्की ना आ सके। गुजरात के वडोदरा में मूसलाधार बारिश से आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहां की सड़कों और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। शहर की सड़कें पूरी तरह डूब गई, कहीं 2 से 3 फीट पानी भर गया तो कहीं 4 से 5 फीट पानी के बीच लोग निकलते नजर आए। कई सड़कों पर तो इतना पानी भर गया कि सड़क झील जैसी लगने लगी, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जबकि एक अंडरपास पानी से ऊपर तक भर गया, जिसके बाद उसे ट्रैफिक के लिए ही बंद करना पड़ा। वडोदरा के डभोई में और भी हालात खराब हो गए। वहां पानी के तेज बहाव के बीच लोग रस्सी के सहारे सड़क पार करने को मजबूर दिखे। पिछले एक सप्ताह से वडोदरा में बारिश की लोग राह देखते थे और आज सुबह से ही जो बारिश से पहले स्लो शुरुआत हुई और अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे भारी बारिश वडोदरा में हो रही है और अनेक ऐसे लोअर लेइंग एरियाज है, जैसे रेलवे का यहाँ जो अंडरब्रिज है वो वाहन व्यवहार के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और हम लोग अभी देखिए जो सयाजीगंज के यहाँ मुख्य मार्ग पर उपस्थित है, यहाँ पे रास्ते पर पानी भर गया है, अनेक व्हीकल से वो बंद पड़ गए हैं और जनजीवन भारी प्रभावित हुआ है। वडोदरा के जो लोअर लेइंग एरिया से फतेहगंज, निजामपुरा, खंडेराव मार्केट, साक मार्केट, गाजरावाड़ी, कोरबा, ये तमाम जो एरियाज है वहाँ पे रास्ते में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग जो है वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन अंकित कौनसिकर के साथ फरीद खान, न्यूज 18, वडोदरा। इतना ही नहीं, भारी बारिश ने वहां अस्पतालों को भी नहीं बख्शा और सयाजीराव सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया। वहां के इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू में भी पानी का कब्जा है। आसमान से बरसते मूसलाधार आफत के आगे सब बेबस है, खासकर मरीज और अस्पताल के कर्मचारियों को काफी परेशानी हुई।